Assalamu alaikum, dear students. We are learning geography of class 10th, chapter 2, that is wildlife and foresters. Fine. So, aaj ka hamara jo topic hai, that is community and conservation. Community or conservation. Community kya hoti hai? A group of people having common manners and traditions. Logon ka majmua jinke yaksa jo tareeke kar hote hain ya riwayat hote hain, unhe hum community kehte hain. Fine. कम्युनिटी किस तरह से हमारे पास जो कंजर्वेशन है, जो तहफ्फुज किस तरह से करते हैं, जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं या वाइल्ड लाइफ होते हैं. फाइन, ये आज को हमारा टॉपिक है. इसमें हम समझेंगे कौन से तरीका हमारे पास जो कम्युनिटी होते हैं वो इख्तियार करती है, जो हमारे पास फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने के लिए. हमें पता है कि हिंदुस्तान में काफी पुरानी रिवायत है जो हमारे पास फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने का. और हमारे पास हम देखते हैं कि जो हमारे पास ट्राइबल कम्युनिटीज होते हैं वो फॉरेस्ट डेवलपर जनरली होते हैं और इनके इनके साथ अच्छे तरीके से रहते हैं, उनको बाज़ औक़ात कंजर्व करने की भी कोशिश करते हैं. और जो हमारे पास कम्युनिटीज हैं ये बाज़ औक़ात गवर्नमेंट के साथ मिलकर भी कंजर्वेशन करने की भी कोशिश करते हैं. अब हम समझेंगे इसको मिसालों के जरिए से. नंबर वन इज सरिस्का टाइगर रिजर्व ऑफ राजस्थान. यहां पर क्या होता है सरिस्का टाइगर रिजर्व में? सरिस्का टाइगर रिजर्व, यहां पर हमारे पास जो लोग होते हैं वो इनवोक करते हैं, वो कहते हैं कि आप यहां पर जो है माइनिंग नहीं कर सकते हैं. वो लोगों को खुद कहते हैं, लोग खुद कहते हैं आपस में कि यहां पर हम माइनिंग को अलाउ नहीं करेंगे. और वो कहते हैं इट इज नॉट अलाउड अंडर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट को इन्वोक करते हैं और यहां पर माइनिंग को खुद लोग अलाउ नहीं करते हैं इन द सरिस्का टाइगर रिजर्व इन राजस्थान. एंड नंबर सेकंड जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. नंबर सेकंड अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान. यहां पर क्या होता है, यहां पर पांच गांव के जो लोग होते हैं वो एक पीस ऑफ लैंड जो तकरीबन मुश्तमिल था 1200 हेक्टेयर्स पर, 1200 हेक्टेयर्स पर, और इस एरिया को वो डिक्लेयर करते हैं बैरव देव डाको सेंचुरी. बैरव देव डाको सेंचुरी, फाइन, इसको डिक्लेयर करते हैं, ये खुद एकदम करते हैं और ये कहते हैं कि ये जो एरिया है ये 1200 हेक्टेयर पर मुश्तमिल जो एरिया है इसको हम सेंचुरी डिक्लेयर करते हैं. कहने का मकसद है यहां इस इलाके में ये पाउचिंग को, ये हंटिंग को अलाउ नहीं करेंगे. जो यहां पर हंटिंग होती थी या पाउचिंग होती थी या एनक्रोचमेंट, जो जबरन यहां पर आउटसाइडर वहां पर कब्जा करते हैं उसको वहां पर अलाउ नहीं करते हैं इस एरिया में. कहने का मकसद लोग खुद खड़े होते हैं और एक पीस ऑफ इलाके को, एक पीस ऑफ लैंड को ये डिक्लेयर करते हैं एज ए सेंचुरी और इसका नाम देते हैं भैरवदेव डाको सेंचुरी. ठीक, इसके बाद जो तीसरा है जो काफी पॉपुलर है दैट इज चिपको मोमेंट. चिपको मोमेंट जो है ये स्टार्ट हुई इन 1973 इन उत्तराखंड. ये जो मोमेंट थी ये एसेंशियली थी, इट वाज अगेंस्ट डिफॉरेस्ट्रेशन, ये डिफॉरेस्ट्रेशन के खिलाफ थी. लेकिन हम देखते हैं कि इससे लोगों को ये तस्वीर मिल जाता है कि अगर हमें एफॉरेस्ट्रेशन में कामयाब होना है, अगर हमें पेड़ वगैरह लगाने हैं तो हमें लोगों को उसमें इन्वॉल्व करना होगा. स्टेट मिशनरी खुद ज्यादा काम नहीं कर पाएगी अगर हम इसके बरकस लोगों को इन्वॉल्व करते हैं, ये ज्यादा फाव रहेगा, ये ज्यादा कामयाब रहेगा. और हम देखते हैं कि जो हमारे पास अगर हम काम करेंगे, जो हमारे पास इकोलॉजिकल फार्मिंग करेंगे या लोगों को इन्वॉल्व करेंगे विद हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल मेथड्स, वो ज्यादा फाल रहेगा. ये लोगों को ये तस्वीर मिला विद द सक्सेस ऑफ चिपको मोमेंट ऑफ 1973 जो कि एसेंशियली डिफॉरेस्टेशन के खिलाफ थी और लेकिन ये अफॉरेस्ट्रेशन के लिए भी कार आमद साबित हुई. फाइन, इसके बाद जो हमारे पास है दैट इज रिलेटेड टू बीच बचाओ आंदोलन.
बीज बचाओ आंदोलन, बीज बचाओ आंदोलन इन तहरी एंड नौ धनिया। ये क्या थे जो हमारे पास, इट वॉज सेव द सीड्स मूवमेंट, बीज बचाओ, इट मीन्स इट वॉज सेव द सीड्स मूवमेंट, सेव द सीड्स मूवमेंट इन तहरी। तहरी कहां पर है? इट इज इन उत्तराखंड, इट इज इन उत्तराखंड। एंड नौ धनिया मीन्स नाइन सीड्स, इट लिटरली मीन्स नाइन सीड्स। मैं समझाऊंगा ये क्या होता है। जो हमारे पास ये दो मोमेंट, एक तो यहां पर मोमेंट थी सेव द सीड्स मोमेंट, और दूसरा था नव धनिया, इट वॉज एन एनजीओ। ये जो बीज बचाओ आंदोलन है ये स्टार्ट की गई उत्तराखंड में, हम देखते इससे जो मिला नाम है दैट इज जयदेव, विजय जयदारी नामी बंदा था जिसने ये मोमेंट स्टार्ट की उत्तराखंड के तहरी में। इसने कहा कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी है, जो हमारे पास डाइवर्सिटी है सीड्स की, इसको प्रिजर्व करने की जरूरत है। और नव धनिया क्या था, यह भी एक तंजीम थी जो इसने काम किया फ्रॉम 1984। ये भी जो हमारे पास बायोलॉजिकल या कल्चरल डाइवर्सिटी है सीड्स की, इसको कंजर्व करने की इसने भी कोशिश की। और जो बीज बचाव आंदोलन है इसने काम स्टार्ट किया इन लेट 1980s में। फाइन, और इनका दोनों का मकसद यही था कि जो हमारे पास डाइवर्सिटी है सीड्स की, इसको कंजर्व करने की जरूरत है। और इससे हम जो हमारे पास केमिकल फर्टिलाइजर्स या केमिकल यूज करते हैं इसको मिनिमाइज कर सकते हैं, और जो हमारे पास क्रॉप्स होंगे यहां से जो निकलेंगे वो कमर्शियली वेबल भी होंगे, वो कमर्शियली भी फाल रहेंगे। फाइन, इट वॉज अबाउट बीज बचाव आंदोलन इन तहरी एंड नव धनिया। एंड नंबर 5 इज ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या है, इसमें हम करते हैं काम, इसमें इन्वॉल्व करते हैं जो हमारे पास लोकल कम्युनिटी होंगे, जो विलेजर्स होंगे उनको इन्वॉल्व करते हैं, ताकि जो हमारे पास डिप्लीटेड फॉरेस्ट्स हैं उनको रेस्टोर कर सकें। डिप्लीटेड फॉरेस्ट हैं उनको हम रेस्टोर कर सकें, ये इसका काम होता है ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। और इसमें हम जो हमारे पास डिफरेंट जो विलेज इंस्टीट्यूशंस को क्रिएट किया जाता है इस चीज को इंश्योर करने के लिए। फाइन, और ये स्टार्ट हुआ जो हमारे पास इन द स्टेट ऑफ ओडिशा इन 1988 में ये ऑफिशियली स्टार्ट हुआ इन द स्टेट ऑफ ओडिशा। और यहां पर जो अहम चीज है, इसमें जो हमारे पास इंटरमीडियरी बेनिफिट्स हैं वो इन विलेजर्स को दिए जाते हैं, इंटरमीडियरी बेनिफिट्स। दीज विलेजर्स, दीज कम्युनिटीज विच आर इन्वॉल्वड इन दिस एक्शन इन ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, जो एक साइड से गवर्नमेंट होता है जो हमारा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, दूसरा से हमारे पास विलेजर्स होते हैं, और इसमें विलेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है और इनको इंटरमीडियरी बेनिफिट्स दिए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ नॉन टिम्बर प्रोड्यूस, और इनको टिम्बर भी दिया जाता है जब सक्सेसफुली जो हमारे पास फॉरेस्ट को कंजर्व किया जाता है, तो बाज़ अवकात इनको टिम्बर भी दिया जाता है आफ्टर सक्सेसफुल कंजर्वेशन, जब सक्सेसफुली कंजर्व कर पाते हैं तो इसको उन लोगों को फिर क्या दिया जाता है, टिम्बर भी दिया जाता है। तो दैट्स ऑल अबाउट ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये विलेज जो हमारे पास विलेजर्स को इन्वॉल्व किया जाता है, इंस्टीट्यूशंस क्रिएट किए जाते हैं, और ओडिशा स्टार्ट हुआ 1988 में, और यहां पर उनको दिए जाते हैं इंटरमीडियरी बेनिफिट इन द फॉर्म ऑफ नॉन फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड टिम्बर। फाइन, एंड लास्ट वन इज अबाउट सैक्रेड ग्रूव्स, सैक्रेड ग्रूव्स, और हम दूसरे अल्फाज में कहेंगे फॉरेस्ट्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, फॉरेस्ट्स ऑफ गॉड्स एंड गॉडेसेस, देवी देवताओं के जो फॉरेस्ट होते हैं। कहने का मकसद है जो हमारे पास सेगमेंट्स मोतबर फॉरेस्ट्स, क्योंकि लोगों को बाज़ अवकात एक जो रिलीजियस एक सेंटिटी मानते हैं इन फॉरेस्ट्स की, हम देखते हैं कि इन द फॉर्म ऑफ जो हमारे पास स्प्रिंग्स होते हैं
या हमारे पास फॉरेस्ट की जो हमारे पास जंगलात होते हैं उनकी जो पीक्स वगैरह होते हैं उनको भी लोग बाज़ औक़ात मोतबर समझते हैं। फाइन, हम देखते हैं कि जो हमारे पास टेम्पल्स होते हैं वहां पर हम देखते हैं कि टेम्पल्स में हमारे पास होता है मकाउस होते हैं या लंगूर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो वहां पर जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोंकीज होते हैं तो वो वहां पर जो वहां डिवोटीज जाते हैं वो उनको खाना वगैरह भी देते हैं। कहने का मकसद है वो उनको प्रिजर्व करते हैं, वो उनको खाना मुहैया करते हैं इन टेम्पल्स। और हम देखते हैं कि अगर हम बात करेंगे यहां पर है बिश्नोई विलेज ऑफ राजस्थान, यहां पर जो हमारे पास है ब्लैक बक्स होते हैं, चिंकारा होते हैं या पीकॉक्स होते हैं एक्सेट्रा, तो उनको क्या किया जाता है, उनकी वर्शिप की जाती है इन द बिश्नोई विलेजेस ऑफ राजस्थान। ब्लैक बक और चिंकारा, ब्लैक बक या हम कह सकते हैं जो हमारे पास पीकॉक्स एक्सेट्रा होते हैं, इनकी क्या की जाती है, इनकी यहां पर की जाती है वर्शिप। फाइन, इट मीन्स इनकी रिलीजियस सेंटिटी है और इनको हम ये कह सकते हैं इनको ये मुश्किलात में नहीं पड़ा, उनको नहीं मारेंगे, इनको किल नहीं करेंगे। और ये कहां पर होता है, इन बिश्नोई विलेजेस ऑफ राजस्थान। इसके अलावा हम देखते हैं कि जो मुंडा एंड संथल्स ऑफ छोटा नागपुर प्लेटो, जो हमारे पास मुंडाज होते हैं, मुंडाज एंड संथल्स ऑफ छोटा नागपुर, जो छोटा नागपुर का इलाका है वहां पर जो ये ट्राइबल्स हैं मुंडास एंड संथल्स, ये हम देखते हैं कि जो वहां का मऊआ होता है या हम कहते हैं कड़म्बा, मऊआ एंड कड़म्बा, ये इनकी क्या करते हैं, जब उनको शादी करनी होती है तो इनको खास तौर पर वहां पर इनको ब्लेसिंग्स लेनी होती है, क्योंकि जो वहां पर कड़म्बा होता है या मऊआ होता है ये दोनों क्या है, दीज आर द ट्रीज, जो यहाँ का मऊआ है, मऊआ एंड कड़म्बा, इनको ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ड्यूरिंग द मैरिज सेरेमनी। इस तरह से जो हमारे पास ट्राइबल्स होते हैं खास तौर पर जो उड़ीसा एंड बिहार, ट्राइबल्स ऑफ उड़ीसा एंड बिहार, ये जो ट्राइबल्स हैं उड़ीसा और बिहार में, ये इस्तेमाल करते हैं टामारिंड को, जो हम खाते हैं टामारिंडा इंडिका या मैंगो को, ये मैंगो को इन दोनों की क्या करते हैं, इनकी वर्शिप करते हैं, टामारिंड और मैंगो की इनकी क्या करते हैं, वर्शिप करते हैं। और हम देखते हैं कि बाज़ औक़ात जो लोग होते हैं वो बाज़ औक़ात पीपल, जो हमारे पास का पीपल का पेड़ होता है या बैनियन का, जो हमारे पास बैनियन ट्री होता है, इनकी भी बाज़ औक़ात पूजा करते हैं। फाइन, और हम इस तरह से देखते हैं कि लोग मुख्तलिफ तरीके इख्तियार करते हैं और जो हमारे पास फॉरेस्ट होते हैं, वाइल्ड लाइफ होते हैं, उनको कंजर्व करने की कोशिश करते हैं। फाइन, और हमें ये चाहिए, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हमें, हम जब कोई गवर्नमेंट पॉलिसी बनाते हैं तो हमें लोगों को, हमें पीपुल सेंट्रिक पॉलिसी बनानी चाहिए, वी शुड मेक पीपुल सेंट्रिक पॉलिसीज, नंबर वन। और जब हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात करते हैं, हमारे पास जो भी इकदाम जो होने चाहिए वो एक तो दैट शुड बी पीपुल सेंट्रिक, और वो एनवायरमेंट फ्रेंडली, और हम देखने, और दे शुड बी कमर्शियली और इकोनॉमिकली वायबल एज वेल, वो इकोनॉमिकली भी ठीक होने चाहिए और एनवायरमेंटली भी वो ठीक होने चाहिए, इकोनॉमिकली वायबल। फाइन, तभी हमारे पास जो हमारे पास फॉरेस्ट है, वो जो हमारे पास फॉरेस्ट होंगे या वाइल्ड लाइफ होंगे, उसको हम कंजर्व कर सकते हैं बेटर तरीके से, जब हमारी पॉलिसी जो होंगी वो पीपल सेंट्रिक होगी, वो एनवायरमेंट फ्रेंडली होगी, वो कमर्शियली वायबल होगी या इकोनॉमिकली वायबल होगी, तभी वो कामयाब हो सकती है, वो फॉल हो सकती है, जिसकी मैंने यहाँ पर आपको बताया किस तरह से सरिस्का टाइगर रिजर्व में लोग खुद खड़े हो गए, या हमारे पास जो है अलवर डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में किस तरह से एक सेंचुरी बनाई, और चिपको मूवमेंट से क्या रुझान मिला लोगों के अंदर, और बीज बचाओ आंदोलन जो तहरी में था या नवदनिया क्या था, इसी तरह से ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट क्या, इसमें क्या होता है, और किस तरह से लोग जो हमारे पास फॉरेस्ट है उनको मोतबर समझते हैं, इससे भी हमारे पास जो कंजर्वेशन होती है फॉरेस्ट की बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ
community. That's all in this video. That's all. There's a last lecture of this chapter. Thank you very much.